अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 3A and B के लिए है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर नंबर 2 द मैजिकल बुक, पेज नंबर 4। लेट्स स्टार्ट द मैजिकल बुक। द वेकेशन वॉज कमिंग टू एन एंड, द स्कूल वुड रीओपन इन अ वीक। हरीश वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन ही हर्ड हिज मदर शॉट फ्रॉम द अदर रूम। हरीश, आर यू रेडी? द काउंटर क्लोजेज एट 12 o'clock, वी हैव टू हरी। यानी कि ये वेकेशन ख़त्म होने वाला था, अब स्कूल जो था एक हफ्ते में स्टार्ट होने वाला था। हरीश टीवी देख रहा था तो उसको दूसरे रूम से आवाज़ आती है कि तुम रेडी हो, क्योंकि ये काउंटर जो है वो बंद हो जाएगा, हम लोग को जल्दी जाना है। हरीश हरेडली पुट ऑन हिज शूज एंड शॉर्टेड बैग। यस मॉम, आई एम रेडी, आई एम वेटिंग फॉर यू नियर द कार। तो हरीश बोलता है, जल्दी जल्दी अपना वो शूज़ पहनते हैं और अपना बैग को लेते हैं, तो वो बोलता है कि हाँ हम रेडी हैं और हम आपके कार के पास वेट कर रहे हैं। हरीश एंड हिज मदर वे गोइंग टू कलेक्ट हिज न्यू टेक्स्ट बुक एंड नोट बुक्स फॉर क्लास 3 फ्रॉम द स्कूल। वो लोग कहाँ जा रहे थे? वो लोग अपना न्यू टेक्स्ट बुक यानी कि नई किताब कॉपी लेने के लिए स्कूल जा रहे थे, कलेक्ट करने के लिए। हिज फ्रेंड अमित हैड ऑलरेडी गॉट हिज बुक। उसका फ्रेंड जो था, जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो अमित, उसका फ्रेंड है हरीश का फ्रेंड है अमित, वो ऑलरेडी बुक्स ले चुका होता है, बुक कॉपी वो अपना ले लिया होता है। दे वेयर ग्लॉसी एंड कलरफुल। और जब भी हम लोग कोई न्यू बुक्स न्यू कॉपीज रहता है तो वो देखने में कितना अच्छा लगता है हम लोग को, तब दिल करता है न्यू न्यू बुक्स है तो हम लोग पढ़े, उसको देखते रहे, उसको अच्छा से रखे। जब हम लोग का न्यू बुक्स आए तो हम लोग फर्स्ट मंथ उसको बहुत अच्छा से रखते हैं। एज सुन एज हरीश गॉट अ बुक फ्रॉम द काउंटर, और फिर जल्द ही हरीश को भी उसका बुक्स मिल गया काउंटर से। ही लिफ्ट थ्रू द देम, द पेजेस वॉज सो क्रिप एंड नीट। और जब न्यू बुक्स का जो पेजेस होता है वो कितना न्यू और क्रिप होता है। ऑन द वे बैक मदर वॉन्ट हिम रिमेंबर। और मदर, और हमेशा हर पेरेंट्स लोग बोलते होंगे स्टूडेंट्स के कि देखो न्यू बुक्स उसे फाड़ना मत, अच्छे से रखना एंड ऑल। वॉन्ट हिम रिमेंबर, हरीश यू आर बिग बॉय नाउ, यू मस्ट कीप दिस बुक्स प्रॉपरली। तो बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो रहे हो तो अपना बुक्स को सही से रखना, नो टियरिंग पेजेस टू मेक रॉकेट एंड बोट्स। यानी कि कॉपी से पेज फाड़ के रॉकेट या बोट नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाना है उनको। नाउ नेक्स्ट पेज, नो मदर दिस ईयर आई विल कीप माई बुक्स नीट। तो वो बोलता है नहीं, ये साल हम अपना बुक को अच्छे से रखेंगे, आई वॉन्ट टीयर पेजेस, हम पेज को नहीं फाड़ेंगे। ये वो अपने मदर से प्रॉमिस करता है। हरीश वॉज गुड एट स्टडीज, ही प्लेड बास्केटबॉल वेल। हरीश बहुत अच्छा स्टूडेंट है, पढ़ाई में बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और बास्केटबॉल खेलने में भी बहुत अच्छा है। बट ही हैड वन बैड हैबिट, ही ट्रीटेड हिज बुक बैडली। बट उसका एक जो बैड हैबिट होता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ बैड हैबिट्स होते हैं कोई, तो उसके अंदर एक बैड हैबिट था कि वो अपना बुक्स कॉपी जो है वो सही से नहीं रखता है। ही वुड टियर देयर पेजेस, वो अपना पेज को फाड़ देता है, गंदा कर देता है। टच देम विद डर्टी हैंड्स, और मतलब डर्टी हैंड से वो टच करता है तो ऑब्वियस सब आते बुक भी गंदे होंगे। थ्रो देम अराउंड एंड ऑफ्टन मिसप्लेस देम, और यहाँ वहाँ रख के भूल जाता है तो इससे बुक्स भी खो जाते हैं, याद भी नहीं रहता कि कहाँ है। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स कॉल्ड हिम सेवरल टाइम्स फॉर दिस, और पेरेंट्स भी बार बार इसको याद दिलाते हैं, टीचर्स भी याद दिलाते हैं, बट ही डिड नॉट लिसन। बट वो ये किसी की बात नहीं सुनता। हिज मदर होप दैट एटलीस्ट दिस ईयर ही वुड बी मोर केयरफुल, और उसकी मम्मी ये होप कर रही थी कि ये साल वो मतलब ध्यान रखेगा अपना किताब और कॉपी का। द स्कूल रीओपन एंड क्लासेस बिगेन, स्कूल जो था खुल चुका था और क्लास स्टार्ट हो गया था। हरीश प्राउडली कैरियड हिज न्यू बुक टू स्कूल, और जब न्यू हरीश जब फर्स्ट डे था स्कूल का, वो एकदम प्राउडली वो गया। बट जस्ट 2 months इन टू द स्कूल टर्म्स, और जैसे ही 2 महीना स्कूल का हुआ, ऑल द बुक्स वे आर लुकिंग डिफरेंट। 2 महीने के बाद स्कूल में जब हुआ तो सारे बुक्स अब डिफरेंट दिखने लगे। द इंग्लिश नोटबुक हैड नो कवर, मैथमेटिक हैड मेनी पेजेस मिसिंग। इंग्लिश नोटबुक यानी कि इंग्लिश नोटबुक का कवर निकल चुका था, मैथ्स का बहुत सारे पेजेस मिसिंग थे। द हिंदी
textbook was torn. Harish mother got angry. Seeing the pathetic shape of his book, she decided to teach him a lesson. तो ये सब चीज़ देख के हारिश की मम्मी फिर परेशान हो गई और अब उसको बहुत गुस्सा भी हो गई उससे. तो अब वो बोली कि अब हम उसको सबक सिखाएंगे. शी वेंट टू सी हारिश इंग्लिश टीचर मिसेस जया एंड दे थॉट टू प्लान. फिर वो उसकी टीचर से बात की और उन लोग ने एक प्लान सोचा. ऑन मंडे मॉर्निंग हारिश वॉज गेटिंग रेडी टू स्कूल. मदर डिड यू सी माई इंग्लिश नोटबुक आई हैव अ टेस्ट टूडे. तो मंडे के दिन हारिश को अब स्कूल जाना था तो वो रेडी हो रहा था. फिर मम्मी से वो पूछता है कि क्या आप मेरे इंग्लिश नोटबुक देखे हो, आज मेरा टेस्ट है इंग्लिश का. नो हारिश आई एम श्योर इट इज़ समवेयर देयर हैव यू चेक इन साइड योर बैग एंड द शेल्फ. तो बोलती है कि नहीं मैंने नहीं देखा है. देखो यहीं कहीं पर होगा, चेक करो, बैग के अंदर चेक करो, शेल्फ पर चेक करो. ओ मॉम आई कांट फाइंड इट एनीवेयर, मिसेस जया इज़ गोइंग टू स्कोल्ड मी टुडे. तो बोलती है, बोलता है क्या वो कि हमको नहीं मिल रहा. अब जो इंग्लिश टीचर है उसे स्कोल्ड करेंगी. वेल इट्स टाइम टू लीव, योर बस इज हेयर. तो बोला अब तुम्हारा जाने की टाइम हो गई है, अब तुमको निकलना चाहिए, बस ऑलरेडी आ चुका है. आई एम ऑल्सो गेटिंग लेट फॉर ऑफिस. और उसकी मम्मी भी ऑफिस के लिए लेट हो रही थी. Said mother, smiling to her face. Herself, she knew Mrs. Jaya would take care of the rest. और उसकी मम्मी एक स्माइल करते हुए, क्योंकि वो जानती थी, क्योंकि वो उनकी इंग्लिश टीचर और उसकी मम्मी दोनों का प्लान था. तो उसकी बाकी का मिसेज जया जो उसकी इंग्लिश टीचर है वो देख लेंगी. लेटर इन द क्लास मिसेज जया आज द पीपल स्टूडेंट टेक केयर ऑफ देयर इंग्लिश नोट्स बुक. फिर वो सारे बच्चे से, जब क्लास स्टार्ट होता है तो इंग्लिश टीचर आती है और फिर सारे बच्चे से बोलती है कि अपना इंग्लिश का नोटबुक निकालिए. शी हैंडेड और द क्वेश्चन पेपर एंड ऑर्डर देम टू आंसर द क्वेश्चन. फिर वो क्वेश्चन पेपर देती है और बोलती है आंसर्स लिखना. व्हाइल द अदर चिल्ड्रन वेयर बिजी टू प्रिपेयरिंग टू राइट, हरीश सैट स्टार्टिंग अहेड विद टीयर्स इन हिज आईज. तो सारे बच्चे अपने बिजी हो जाते अपने पेपर्स लिखने में, आंसर्स में. तो उसमें मिसेस जया जो है वो चिल्ड्रन वे बिजी प्रिपेयरिंग हारिश सेट स्टार्टिंग और वो अपना बैठकर वो रोना स्टार्ट कर देता है. तो उसके आँख में आंसू आ जाते हैं और अपने सर पे हाथ रख के वो, मतलब वो समझ नहीं आता कि वो क्या करे. अब हारिश वेयर इज़ योर नोटबुक, उसकी मैम पूछती है तुम्हारा नोटबुक कहाँ है. वाई आर यू नॉट राइटिंग द आंसर, तुम क्यों नहीं आंसर्स लिख रहे. मैम आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक. तो वो बोलता है मैम मेरा नोटबुक लॉस्ट हो गया, यानी कि मेरा नोटबुक खो चुका है. ओ रियली आई एम नॉट सरप्राइज, इनफैक्ट लास्ट नाइट आई हैड अ ड्रीम, मेनी बुक्स वी आर शॉर्टिंग एंड कंप्लेनिंग अबाउट द क्रूअल लिटिल चिल्ड्रेन हु हर्ट देम. तो बोला, वो बोल रही है कि हम, उसकी इंग्लिश टीचर बता रही है उसको कि हम सरप्राइज नहीं है, इनफैक्ट हम खुद ये लास्ट नाइट हम एक सपना देखे थे कि मेनी बुक्स वे आर शॉर्टिंग, सारे बुक्स मिलकर शाउट कर रहे, कंप्लेन कर रहे कि, मतलब वो क्रूअल मतलब आपको पता ही होगा जो रूड होते हैं वो चिल्ड्रेन के लिए, जो उनको हर्ट करते हैं, जो उनको चोट पहुंचाते हैं. दे हैव डिसाइड टू हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द लिटिल विलियंस. तो वो लोग डिसाइड किए हैं अब जो बच्चे, मतलब किताब की इज्जत नहीं करते, जो बच्चे किताब को सही नहीं रखते, जो किताब को अच्छा से, कॉपी को अच्छा से नहीं रखते, उन्हें, उनसे वो अब छिप जाएंगे, हाइड हो जाएंगे. आई थिंक माई ड्रीम कम ट्रू. और वो बोलती है कि शायद मेरा सपना सच हो गया. हारिश हाउ वुड यू लाइक इट If from someone pull your nose, hand, ears or legs. मतलब तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हारे कोई आँख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पैर, अगर कोई तुमको टानेगा, खींचेगा, तो how do you feel, कैसे लगेगा. Would not it hurt, क्या तुमको चोट नहीं पहुँचेगी, तुम्हें दर्द नहीं होगा. Your book feel the same when you tear them. तो तुम्हारे बुक्स को भी वैसे ही फील होता है जब तुम इसे फाड़ते हो, खींचते हो, गंदे करते हो. हारिश थॉट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. फिर वो सोचने लगा फ्यू मोमेंट. हीज मदर, फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स वेयर ऑलवेज एंग्री विथ हिम फॉर हिज सिंगल बैड हैबिट ऑफ हिज. तो फिर वो सोचने लगा, उसके सारे, मतलब उनके फैमिली में मम्मी पापा ग्रैंड पेरेंट्स सब उससे एक ही बात से गुस्सा होते थे कि यही उसका एक खराब आदत था और सब उनसे इसी बात से नाराज होते थे. ही सेड क्राइंग. वो फिर रोने लगा. मैम प्लीज़ गिव मी वन लास्ट चांस, आई प्रोमिस आई विल बी केयरफुल विथ माई बुक्स. वो बोलता है कि मैम आप हमको एक लास्ट चांस दीजिए, हम अब से ध्यान रखेंगे
और ये हम प्रॉमिस कर रहे हैं, अपना किताब कॉपी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। मिसेस जयस सेड, गो होम एंड चेक योर बुक शेल्फ। तो भाई ठीक है, तुम घर जाओ और बुक शेल्फ पे चेक करो। आई एम श्योर योर नोटबुक वुड हैव कम बैक देयर। तो बोले हम श्योर, हमें यकीन है कि तुम्हारा नोटबुक तुम्हारे वहाँ पे रखा गया होगा। टू टेक टुडे टेस्ट इन योर रफ नोटबुक। और आज का टेस्ट, उसका टेस्ट तुम नोटबुक में दे दो, रफ नोटबुक में दे दो, कोई भी रफ। रिमेंबर, डोंट एवर टियर पेजेस। और याद रखना, कभी भी पेज को नहीं फाड़ना। फ्रॉम योर बुक्स और कीप देम डर्टी, और ना ही अपने बुक्स को गंदे करना। हारिश हैड लर्न अ लेसन। हारिश को ये लेसन जो था उसे याद रहेगा हमेशा, और उसे समझ भी आ गया। हारिश वॉज सरप्राइज वेन ही रीच्ड होम। हारिश जब घर पहुंचा तो वो सरप्राइज हो गया। द इंग्लिश नोटबुक वॉज राइट देयर ऑन द शेल्फ, और वो एकदम शेल्फ के शेल्फ में था। हाउ डिड ही मिस इन द मॉर्निंग। मिसेस जया हैड अ ड्रीम कम ट्रू। फिर वो सोचने लगा, ये सुबह कैसे खो गया, मिस कैसे हो गया, क्या मिसेस जया का ड्रीम जो था, सपना, क्या वो पूरा हुआ था। तो वो ये सोचने लगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और आप सब बच्चे को भी ये लेसन मिला होगा कि अपना बुक्स एंड कॉपी को ध्यान से रखें, और उसे कभी पेजेस को फाड़ना नहीं चाहिए और गंदा नहीं करना चाहिए। थैंक यू।